आप देख रहे हैं मोल तोल इंडिया, जो लाता है कमोडिटी मार्केट पर खबरें और विश्लेषण। क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की ऑप्शन ट्रेड रणनीति पर बात होगी आज इस शो में। मेरा नाम है कमल शर्मा। क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की यह रणनीति हम जानेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार कमल जी। मनोज जी नमस्कार। मनोज जी, इस सप्ताह कौन कौन से ऐसे डेटा हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के साथ जो एनर्जी पैक को प्रभावित करेंगे? कमल जी, ये जो सप्ताह है ये काफी हम कह सकते हैं कि क्रूशल वीक जो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट और सारी असेट क्लास के लिए रहने वाला है, क्योंकि जो यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इस सप्ताह में होना है और कल उसकी वोटिंग है। और साथ ही इस सप्ताह जो है यूएस फेड की पॉलिसी मीटिंग भी है, तो यूएस इलेक्शन के साथ में फेड पॉलिसी मीटिंग से काफ़ी कुछ जो संकेत है मार्केट को मिलते हुए नज़र आएंगे कि यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को देखते हुए फेड अपनी पॉलिसी में नरमी का रुख जारी रखता है या यहाँ पे स्टेटस को बना के रखता है। दूसरा, यहाँ पे इस सप्ताह चाइना की स्टिमुलस को लेकर के मीटिंग भी होना है और उसके ऊपर भी पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की नज़र है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की चर्चाएं चल रही है कि बड़े स्टिमुलस का अनाउंसमेंट चाइना की तरफ से हो सकता है और उसके ऊपर भी यहाँ पे लोगों की निगाहें लगी हुई रहेगी। तो ये सप्ताह काफी जो है हम कह सकते हैं कि इवेंटफुल जो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए रहने वाला है और इस सप्ताह भारी उठापटक जो है बाजारों में बनी रहेगी। आपने जैसा कहा कि बहुत सारे डेटा हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव है, चीन का राहत पैकेज है, और ऐसे में उठापटक रहेगी, तो इस उठापटक के बीच क्रूड ऑयल में एक ट्रेडर को कौन सी ऑप्शन ट्रेड रणनीति अपनानी चाहिए? कच्चे तेल की अगर हम बात करें कमल जी, तो यहाँ पे लगातार चली आ रही गिरावट जो है पिछले सप्ताह थमती हुई नजर आई थी जब यूएस की वीकली इन्वेंट्री का डेटा आया था और वहाँ पे जो है कच्चे तेल की इन्वेंट्री में 0.5 मिलियन बैरल की गिरावट देखने को मिली थी, जो उसके जी प्रीवियस सप्ताह में 5 मिलियन बैरल से अधिक थी। साथ ही यहाँ पे चाइना के स्टिमुलस पैकेज को लेकर के भी मार्केट उत्साहित है और उसके चलते भी यहाँ पे निचले स्तर पर सपोर्ट बने हुए हैं। आज हम भारतीय बाजारों में 6,000 के स्तर के ऊपर कच्चे तेल को ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। हमारा मानना है कि ये मोमेंटम जो है बरकरार रहेगा और एक बार कीमतें फिर से 6,240 के अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है। उस लिहाज से यहाँ पे कच्चे तेल के 6,100 की कॉल ऑप्शन में जो है बाइंग की रणनीति हम सुझाएंगे। अभी 150 के ऊपर ये कॉल ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, 140 से 145 के दायरे में इसको बाय करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 120 का लगाएं और ऊपर में हमारा मानना है कि 185 से 190 तक जो है ये कॉल ऑप्शन ट्रेड हो सकता है। तो यहाँ पे 6,100 के कॉल ऑप्शन में थोड़ी सी गिरावट में बाइंग की रणनीति बना के चलना चाहिए। ये मनोज जी, नेचुरल गैस पर भी बात करें तो ऑप्शन ट्रेड किस तरह से करना चाहिए ट्रेडर को ताकि वो लाभ उठा सके? नेचुरल गैस की अगर हम बात करें कमल जी, तो यहाँ पे लगातार जो है दबाव नेचुरल गैस की कीमतों में देखने को मिल रहा है। डिमांड को लेकर के काफी कंसर्न्स बने हुए हैं और वेदर भी यहाँ पे जो है सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है कमोडिटी को। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे जब तक नेचुरल गैस की कीमतें 235 के स्तर के नीचे बनी हुई है, यहाँ पे प्रेशर जो है वो बना रह सकता है। तो ऐसे में नेचुरल गैस में 220 की जो पुट ऑप्शन है अभी 12 रुपए के आसपास ट्रेड हो रही है। हमारा मानना है कि ये 10.5 रुपए के आसपास मिले तो 220 की पुट ऑप्शन में बाय करना चाहिए। एक स्टॉप लॉस यहाँ पे 8.5 रुपए का रखें और ऊपर में 15 रुपए तक के जो लक्ष्य है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जी मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी रणनीति हमने सुझाई है उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, ना ही मेरी कोई फ्यूचर्स मार्केट में पोजीशन है, लेकिन समय समय पर रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम, कमेंट्स कर दर्शक हमें जरूर बताएं। शुक्रिया मनोज जी आपका, है। धन्यवाद। थैंक यू।